दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी, स्टफ टमाटो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अच्छे से टमाटर ले लिए हैं और इनको वाश किया हुआ है। फिर हम टमाटर को कुछ इस तरह से काट देते हैं। फिर हम टमाटर को इस तरह से पील कर देते हैं और फिर हम इसमें सामग्री जो डालने वाले हैं वो इस तरह से है, जैसे हो गया ग्रीन चिली, चो पार्सले, ड्राई फ्रूट, चो पटाटो, मैश किया हुआ पनीर, चॉप ऑनियन। चलो जी, दो मैश पटाटो इस तरह से हम इसमें पटाटो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम चॉप ऑनियन डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पार्सली डाल देंगे। फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे चॉप करके। और इसमें हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रहे हैं जरा से, इसको मैच कर देंगे अच्छी तरह से। शेफ, अगर हम इसमें और कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं? हाँ, और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं हम, जैसे चेडार हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम अच्छी से अच्छी चीज़ यूज कर सकते हैं। पारमेसन चीज़ हो गया, पारमेसन चीज़ भी हम इसमें डाल सकते हैं। अगर हमको घर पर बनाना हो तो हम कौन सी चीज़ें ना ले सकते? घर पे बनाने के लिए हम फार्मेसन चीज़ तो हमें घर पे मिलेगी नहीं, हमें ये मजरोला चीज़ डालनी है, चिडार चीज़ या अमूल चीज़ ही डाल सकते हैं। मतलब जो कि सब जगह अवेलेबल, हाँ, जो सब जगह अवेलेबल हो जाए वही चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ये स्टफिंग भरते हैं कुछ इस तरह से, इसको अच्छी तरह से डिप करना है इसमें। और इस तरह से हम इसको स्टफ कर देते हैं और ये हम इसमें इस तरह से लीड लगा देते हैं। फिर हम इसको एक ओवन वाली ट्रे में रख देते हैं। फिर इसमें हम पॉलिश करते हैं अच्छी तरह से ऑयल की। और इसके बाद हम इसको ओवन में डाल देते हैं बैक होने के लिए। और अब हम इसके लिए सॉस बनाने वाले हैं। ये हमने ऑलिव ऑयल डाला है और ये हमने इसमें गार्लिक डाला है। हमारी सॉस तैयार हो गई है और ये हमने इसमें सीजनिंग डाल दिया है। और हमारे टमाटर 10 मिनट में बैक हो जाते हैं। इसके बाद हमारा ये टमाटो स्टफ कुछ इस तरह से बनता है। और दोस्तों ये गेस्ट के लिए एकदम रेडी है। इस तरह से हम टमाटो स्टफ गेस्ट को देते हैं। और दोस्तों
मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और दोस्तों, आपको मेरा चैनल कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।